नमस्कार, नेशन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतिक। पूरे देश में जहां पर किसानों को नए कृषि बिल को लेकर उबाल है, आक्रोश है और वो सरकार के खिलाफ जमकर अपना आक्रोश प्रदर्शन भी कर रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर लगातार किसान जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और नए कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें, इस वक्त हम खड़े हैं पटना के बीजेपी दफ्तर में और इस दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। यहाँ पर एक पोस्टर लगा है, इस पोस्टर में आप साफ साफ देख सकते हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहना चाहूँगा, जरा वहाँ पर दिखाएं, वहाँ पर एक पोस्टर लगा है, आत्मनिर्भर किसान आत्मनिर्भर बिहार। यानी कि बिहार में किसान को अब कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनाने की बात जो है वो की जा रही है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगा, जरा एक और पोस्टर पर नज़र डालें, अपना कैमरा घुमाएं। इस पोस्टर पर देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है। कृषि क्षेत्र के ऐतिहासिक सुधार लाने के लिए भारत के लोकप्रिय एवं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार वासियों द्वारा हृदय से आभार। यानी कि ये पोस्टर भी यहाँ पर लगा है और कृषि बिल को लेकर उन्होंने यहाँ पर जो पोस्टर लगाया है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर, और एक पोस्टर आपको हमने अभी आपको दिखाया जिसमें आत्मनिर्भर बिहार आत्मनिर्भर किसान की बात कही गई। तो कहीं ना कहीं आपको हम बता दें कि दिल्ली के बॉर्डर पर लगातार जो है वो किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नए कृषि कानूनों के खिलाफ, नए कृषि बिल को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि महागठबंधन की तरफ से भी लगातार सरकार को नए कृषि बिल को लेकर घेरा जा रहा है। तो वहीं अब भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर, पटना के बीजेपी दफ्तर के बाहर ये दो पोस्टर लगे हैं, आत्मनिर्भर बिहार आत्मनिर्भर किसान। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए नेशन न्यूज़। धन्यवाद।